बड़ी खबर सामने आ रही है। मध्य प्रदेश में बीएसपी की नौवीं लिस्ट जारी हो गई है। नौवीं लिस्ट में 3 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया गया है। ग्वालियर ग्रामीण से सुरेश बघेल को टिकट दिया गया है, वहीं जबेरा से विनोद राय को प्रत्याशी बनाया गया है। चुरहट की बात करते हैं, चुरहट से बबलू विश्वकर्मा को टिकट दिया गया है। तो मध्य प्रदेश में बीएसपी की नौवीं लिस्ट जारी हो गई है। नौवीं लिस्ट में 3 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया गया, 3 प्रत्याशियों की घोषणा की गई है। ग्वालियर ग्रामीण से सुरेश बघेल को दिया गया है टिकट। इसके अलावा मध्य प्रदेश में बीएसपी की देखिए नौवीं लिस्ट जारी, जबेरा से विनोद राय को प्रत्याशी बनाया गया, उन्हें टिकट दिया गया है। नीलम हमारे साथ जुड़ गई है। नीलम, प्रत्याशियों की लिस्ट जो है वो जारी की गई और ऐसे में 3 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया गया है इस नौवीं लिस्ट में बीएसपी की। जी बिल्कुल, देखिए बीएसपी ने जो है नौवीं लिस्ट अपनी जारी कर दी है, जिसमें कि 3 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों को उतारा है। जिसमें अगर हम बात करें तो ग्वालियर चंबल अंचल की जो 3 सीटें हैं, यहाँ पर प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की गई है और तीनों ही सीटें सामान्य श्रेणी की है। विनोद राय को जो है जबेरा से प्रत्याशी बनाया बीएसपी ने, तो ग्वालियर ग्रामीण से जो है सुरेश बघेल उतरेंगे मैदान में और वही जो है चुरहट से बबलू विश्वकर्मा को यहाँ पर टिकट दिया गया है। देखिए यहाँ पर जो है एक बदलाव किया गया है। चुरहट से पहले संतोष प्रसाद साकेत को मौका दिया गया था, पर अब नौवीं लिस्ट जब आई है तो यहाँ पर जो है बदलाव देखने को मिला है। बबलू विश्वकर्मा को यहाँ पर जो है बीएसपी ने मौका दिया है। तो देखिए कल रात देर रात भी जो है बीएसपी की 8वीं लिस्ट जारी हुई थी, जिसमें कई नाम थे और अब जो है 3 नामों पर एक बार फिर से बीएसपी ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी। तो लगातार हम देख रहे हैं कि जहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी भी अपने पार्टियों के प्रत्याशियों के नाम की पूरी तरह से घोषणा कर दी है, तो वही बसपा भी इस बार पूरे दमखम के साथ मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में जुटी हुई है। गोडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ जो है संयुक्त रूप से चुनाव लड़ा जाएगा कई सीटों पर, और ऐसे में जो है बीएसपी ने अपने अब तक तमाम सीटों पर जो है प्रत्याशी भी उतार दिए हैं। 3 सीटों पर आज जो है नामों की घोषणा की गई है। बिल्कुल नीलम, और जिस तरीके से जो सीधा मुकाबला होगा वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में होगा, ऐसे में बीएसपी कितना प्रभाव डालेगा, कितना नुकसान पहुंचाएगा, चाहे हम बात बीजेपी कर ले या फिर कांग्रेस की कर ले। जी बिल्कुल, देखिए अगर हम प्रभाव की बात करें तो जाहिर तौर पर कुछ सीटों पर बीएसपी का असर जो है जरूर दिखने को मिलेगा। हालांकि अगर हम 2018 की बात करते हैं तो बीएसपी ने जो है 2 सीटें निकाली थी, और अगर इस चुनाव की हम बात करते हैं तो ऐसा पार्टी का दावा है कि जितने सीटों पर वो प्रत्याशी उतारी तमाम सीटें जीतेंगी। पर अगर हम राजनीतिक विश्लेषकों की बात माने या बीएसपी के मध्य प्रदेश में अंतर की असर की बात देखें तो करीब 5 से 6 ऐसी सीटें हैं जहां पर बीएसपी का खासा प्रभाव देखने को मिलता है। वहीं कुछ सीटें ऐसे हैं जहां पर वोट जो है जाहिर तौर पर बढ़ सकते हैं, जिससे कुछ सीटों पर कांग्रेस को तो कुछ सीटों पर बीजेपी को जो है नुकसान हो सकता है। तो ये जरूर देखने वाली बात होगी कि जितने दमखम के साथ बीएसपी लगी हुई है उतना असर देखने को मिलता है नहीं, क्योंकि आने वाले दिनों में नवंबर में बीएसपी सुप्रीमो मायावती का भी मध्य प्रदेश में एक ताबड़तोड़ दौरा देखने को मिलेगा। 6 नवंबर से उनकी अलग अलग जिलों में जनसभाएं होने जा रही है, जिसमें खासा फोकस ग्वालियर चंबल अंचल में रहेगा। इसके अलावा बुंदेलखंड में भी जो है उनकी सभा होने जा रही है, क्योंकि बुंदेलखंड में भी बीएसपी जो है असर रखती है। तो ऐसे में जिन जिन क्षेत्रों पर बीएसपी को उम्मीद है कि उनके प्रत्याशी जीत सकते हैं, यहाँ पर जो है बसपा सुप्रीमो मायावती की सभाएं भी जो है प्रस्तावित है। तो जाहिर तौर पर जहाँ सीधी टक्कर कांग्रेस बीजेपी के बीच में है, तो वहीं बसपा भी जो है पीछे नहीं हटना चाहती है। बिल्कुल नीलम, कौन कौन से ऐसे मुख्य मुद्दे रहेंगे जिन मुद्दों को लेकर इस बार बीएसपी अपनी किस्मत आजमा रही है मध्य प्रदेश में? जी देखिए, अगर हम बात करें मुद्दों की तो जिस तरह से कांग्रेस ने बेरोजगारी भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया है, बसपा भी लगभग उन्हीं मुद्दों को लेकर के मैदान में, और खास तौर पर दलित और आदिवासी अत्याचार का जो मुद्दा है उसे बीएसपी जो है मुख्य तौर पर उठा रही है कि मध्य प्रदेश में बीते अगर हम बात करें 4.25 साल या उसके पहले के 18 साल की बीजेपी की सरकार में जो दलितों पर अत्याचार हुए हैं, आदिवासियों के खिलाफ अत्याचार हुए हैं और कोर्ट में मामले कई जो है लंबित पड़े हुए हैं, तो ऐसे में जो है इन मुद्दों को जोरदार तरीके से बसपा की तरफ से उठाया जा रहा है इस चुनाव में। बिल्कुल नीलम, और जिन 5 क्षेत्रों का आपने जिक्र किया कि 5 क्षेत्रों में बीएसपी की स्थिति मजबूत है, कौन कौन से वो क्षेत्र हैं और किन किन संभागों में जो ज्यादा प्रभाव है बीएसपी का वो देखने को मिलेगा?
जी देखिए, अगर हम बात करें तो खास तौर पर बुंदेलखंड में बसपा का असर देखने को मिलता है। वर्तमान में भी जो बसपा के एक विधायक है रामबाई, वो दमोह के पथरिया से आती है, बुंदेलखंड का क्षेत्र, तो बुंदेलखंड की कुछ सीटों पर जो है खासा असर बसपा का देखने को मिला है। इसके अलावा ग्वालियर चंबल में भी थोड़ा बहुत असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी बड़ी संख्या में अगर हम देखें कि दलित वर्ग के जो वोटर्स हैं वो है, और बसपा को लगता है कि वो दलित वर्ग के वोटों को अपनी तरफ खींच। बिल्कुल बिल्कुल नीलम, और देखना होगा कि किस तरीके से चुनाव में कितना असर बीएसपी का होता है और कितना नुकसान या फिर फायदा दूसरी पार्टियों को मिलता है बीएसपी के चुनावी मैदान में उतरने से। बहुत बहुत धन्यवाद नीलम, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और चलिए यहां पर